जामुड़िया पंचायत समिति अंतर्गत डोबराना ग्राम पंचायत के खास केंद्र नजरुलपल्ली भुईयापाड़ा के पास भूधसान की घटना होने से स्थानीय लोगों में आतंक का माहौल बना हुआ है। एक और जोरदार बारिश तो दूसरी ओर लगातार हो रहे भूधसान की घटना से कोयलांचल वासियों में भय का माहौल कायम है। सोमवार सुबह खास केंद्र नजरुलपल्ली भुईयापाड़ा के पास 30 फुट चौड़ा तथा लगभग 100 फीट से भी गहरा बड़ा सा गौफ बन जाने से लोगों में भय का माहौल में जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के डोबराना अंचल अध्यक्ष महेश पासवान ने कहा कि सोमवार पहले सुबह 5 बजे बहुत जोरदार आवाज के साथ भूधसान की घटना घटित हुई, जिससे बहुत बड़ा गोफ तैयार हो गया। उन्होंने बताया कि अवैज्ञानिक पद्धति से ECL द्वारा इस क्षेत्र में कोयला खनन किया गया, लेकिन सही से मिट्टी व बालू भराई नहीं कराया गया, जिसके कारण इतने बड़े धसान की घटना घटित हुई। उन्होंने कहा कि पहली बार खास केदा क्षेत्र में भूधसान की घटना घटित हुई है, जो काफी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस प्रबंधन जल्द से जल्द स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर ठोस पहल नहीं करेगी तो कभी भी कोई अनहोनी घटित हो सकती है। स्थानीय निवासी धर्मेंद्र कोल किसान बावरी ने बताया कि काफी जोरदार आवाज के साथ अचानक धरती बैठ गई, जिसके बाद बड़े आकार का गौफ बन गया। उन्होंने कहा कि आसपास काफी जनबहुल इलाका है, जिसके कारण कोई अनहोनी घटना होने का भय हमेशा बना रहता है। उन्होंने कहा कि ECL प्रबंधन की पूर्ण लापरवाही का परिणाम ही है कि इतना बड़े आकार का गौ भूधसान की घटना घटित होने के बाद तैयार हो गया। घटना घटी से 5টার সময় আমাকে খবর যায় এখান থেকে একটা ধস নেমেছে। আমি 5টার সময় খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, তার জন্য একটু ওয়েট করে এলাম। এখন এসেছি দেখছি বড় একটা ধস নেমেছে। আমি প্রশাসনকে ফোন করেছিলাম, আমি সবাইকে ফোন করি, এইখানকার মানুষগুলো খুব আঁকা তো আছে এখনও। এখন প্রশাসন তরফ থেকে এই ছায় দেওয়া হচ্ছে, ভাড়াট করা হচ্ছে। মোটামুটি 20 ফুট থেকে 25 গাঢ়া মোটামুটি ওই 60-70 ফুট মতন হবে। এলাকার লোক আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত এলাকার লোক আছে এইখানে। সকাল থেকে এখনও খুব দশত আছে লোক, এখন সব ছাতা লাগিয়ে দেখুন এইখানে দেখছেন, ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই দেখছেন। এখানে কি পুরানো কোনো কলেরি ছিল? পুরানো ছিল কলেরি। কি নাম কলেরির? নাম ছিল নোট ছড়া। নোট ছড়া, নোট ছড়া আন্ডারে পড়ে। জামুড়িয়া সে দিলীপ সাউ কি রিপোর্ট, PVTV নিউজ।